वालिदैन के लिए कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते उस पर बात हो रही है। तो सर आप जो कह रहे थे कि थोड़ी बहुत बचत हो जाती है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जब तक स्कूल्स बंद हो रहे हैं, जब तक मुकम्मल तौर पर ये लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहे हैं, बच्चे स्कूल मुकम्मल तौर पर नहीं जा रहे हैं, रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही, तब तक कुछ कंसेशन मिल जाए पेरेंट्स को? जी, 6 महीने के लिए तो हमने 20% महाना फीसों में रियायत दी है, और उसके बाद सूरत हाल इस पेंडेमिक में ये रही कि हमारे पास 4-4, 6-6 माह की फीसें जो हैं लोगों की जमा हैं, और फीस जमा कराने का जो रेशो रहा 30-40% सिर्फ रहा है। अब भी तमाम प्राइवेट स्कूल्स जो है उनको हर मुमकिन सहूलत वालदैन को दे रहे हैं, हम केस टू केस इस सब को देखते भी हैं और इंस्टॉलमेंट में और महाना इकसात में जो है तकसीम करके उनसे फीस लेने की बात करते हैं। सर मजमूई तौर पर कुछ नहीं हो सकता है, यानी इज्तिमाई तौर पर देखिए, हमने पहले भी कहा था कि हम तमाम वालदैन को इकसात की सहूलत देने के लिए भी तैयार हैं, और इसी तरीके से जो डिजर्विंग है, और ये भी एसोसिएशन ने दीगर एसोसिएशन के साथ मिलकर फैसला किया था कि तमाम प्राइवेट स्कूल जो है कोविड से जो वाकई मुतासर हुए हैं, लोग जिनका रोजगार मुतासर हुआ है, उनको हर मुमकिन सहूलत और फीस में रियायत हम देंगे बिल्कुल। अच्छा सर, सईद गनी साहब कह रहे हैं कि इम्तिहान जरूर होगा, प्रमोट किसी को नहीं करेंगे, यानी वो वालिदैन जो सिर्फ 5 माह पढ़ाई की फीस 12 महीने तक पे करते रहे, अब सर इम्तिहान आगे बढ़ाकर सेशन को मजीद लंबा किया जाएगा, आखिरकार सर बोझ तो फिर वही वालिदैन पर ही पड़ेगा ना, अगर गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी फीस में 20% डिस्काउंट का हुकूमत ने जो ऐलान किया था, कुछ तो रियायत वालिदैन के लिए हो जाए सर। जी बिल्कुल, हमने सहाफी हजरात ने भी हमसे ये रिक्वेस्ट की, इसके अलावा सिविल सोसाइटी से जो जो हमारे पास आया है हमने तमाम का केस जो है वो कंसीडर किया है। 6 माह हमने मुसलसल ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो है 20% रियायत दी, उसके बाद वालिदैन को किस्तें करके दी। सर अभी तमाम वालिदैन का मसला मैं लेकर बैठी हुई हूँ, फिर आप यहाँ पर भी नजरसानी कर लें। जी यकीनी तौर पर वालिदैन का मामला जो है वो स्कूल से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, और वालदैन तो हमारे पैट्रन हैं, हमारे सरपरस्त हैं, प्राइवेट स्कूल्स वालदैन ही के ताबून से चल रहे होते हैं, और वो हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे लिए पार्टी नहीं है, तो हम जितना उनका ख्याल कर सकते हैं हम जरूर करेंगे, और हमेशा ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन जो है वो पेरेंट्स को ये तमाम सहूलत देने के लिए स्कूल वालों को कन्विंस करते रहते हैं।